Hi guys, welcome to Cool Academy. और आज हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सीरीज में लास्ट लेक्चर में हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स. वाव, सो ब्यूटीफुल, इजंट? बट लुकिंग कॉम्प्लिकेटेड आल्सो. बट ऐसा नहीं है, हम आज इसे बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आप एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट लेके जाओगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स का, राइट? और सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप आराम से सॉल्व करोगे, राइट गाइस? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. अब तक जो हम लोग ने पढ़ा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, मीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, कैलोरीमीटर और मीटर ब्रिज भी पढ़ रखा है. और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमने बताया अभी पोस्ट ऑफिस बॉक्स. किस किस पॉइंट पे हमने डिस्कस कर रहे हैं उसको हम इस नोटबुक पे पहले राइट डाउन करते हैं. तो जो हमारा पॉइंट है वो है, व्हाट इज पोस्ट ऑफिस बॉक्स, व्हाई हैज इट नेम पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, व्हाई डज गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट अपोजिट साइड. आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और लेक्चर्स देखे होंगे, कहते हैं लेफ्ट डिफ्लेक्शन हो गया, राइट डिफ्लेक्शन हो गया, रेजिस्टेंसेस के बीच में होगा, पर ऐसा क्यों, और उसके बारे में जानेंगे. वर्किंग प्रिंसिपल जो कि आपको पता है कि हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है. और साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे क्या, हम जो थ्योरी पढ़ेंगे हम आपको उसी समय बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन जीई में पूछे गए हैं. और लास्ट में जो कि फाइंडिंग फॉल्ट लोकेशन देखेंगे. पहले पोस्ट ऑफिस बॉक्स किस तरह हमारे टेलीकम्युनिकेशन में किस तरह फॉल्ट लोकेशन को हम पता करते हैं, एक मेरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे. रियली इंटरेस्टिंग, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पोस्ट ऑफिस बॉक्स. पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस, राइट? पोस्ट ऑफिस बॉक्स नेम इट सो बिकॉज इट हैज शेप ऑफ बॉक्स एंड वाज डिजाइन टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स एंड टेलीग्राफ वायर्स. इट वाज यूज्ड इन पोस्ट ऑफिसेस टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जैसा कि हमने आपको अभी शुरू में बताया. और इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूंगा विथ माई हाइपोथेटिकल. एक क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट में वो बताऊंगा किस तरह हम लोकेट करते हैं उस फॉल्ट लोकेशन को, राइट? और इसके बारे में अगर देखें थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लें, पोस्ट ऑफिस बॉक्स कैसा होता है. तो प्लग टाइप विथ थ्री पेयर्स ऑफ रेशियो कॉयल्स, रेशियो कॉयल्स हैं थ्री पेयर्स. हम अगर देखें यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे थ्री पेयर्स हैं, देखो 10 का आएगा रेशियो, फिर 100 का, फिर 1000 का रेशियो आएगा, वहां पे हम इसे देखेंगे. और फिर एंड 16 सीरीज कॉइल्स फ्रॉम 1 to 5000 ओम्स, टोटल 11,110 ओम, गिविंग अ रेंज ऑफ 0.01 ओम टू 1011 किलो ओम्स. और 2 टैपिंग कीज आर प्रोवाइडेड फॉर बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर. Accuracy ratio coils of plus minus 0.05% and others जिनका है plus minus 0.1%. Actually ये चीज जो कह रहा है मैं यहाँ पे अभी देख लेता हूँ हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, ये है हमारा, देखो 1 से लेके ये 5000 तक ये हमारे coil resistance होते हैं, किस तरह लगे होते हैं ये हम देखेंगे आगे चल के. और ये हमारा galvanometer होता है, इसके 2 की हैं, गैल्वेनोमीटर का हमारा K2 है और ये एक बैटरी लगी हुई है जो K1 की से कनेक्टेड है, राइट? तो ये रहा हमारा. और थोड़ा सा हिस्ट्री इसके बारे में जानते हैं. द बॉक्सेस वर यूज्ड इन यूनाइटेड किंगडम बाय इंजीनियर्स फ्रॉम जनरल पोस्ट ऑफिस हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूके टेलीकम्युनिकेशन टू ट्रेस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट. बार बार ये आ रहा है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, पोस्ट ऑफिस बॉक्स किस तरह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट
लोकेट करते कर लेता था, इंजीनियर्स किस तरह लोकेट कर लेते थे, ये हम लोग देखेंगे अपने लास्ट जो हमने वो क्वेश्चन लिया है उसमें देखेंगे. एंड दैट इज डिटरमाइन वेयर अ ब्रेक अकर्ड इन अ केबल विच कुड बी सेवरल माइल्स इन अ लेंथ, राइट. ये थोड़ा सा ब्रीफ हमने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई और थोड़ा पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया, राइट गाइस. बिफोर हम लोग इसको और डिटेल में जाएं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स थोड़े की कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम इसे बार बार यूज करेंगे अपने इस लेक्चर में और इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स के लेक्चर में. तो उससे पहले हम समझते हैं ये हमारे जो की कॉन्सेप्ट हैं हमारा इस तरह रहता है हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स. सपोज कर लो पहले इस ए और बी के बीच हमें देखना है. अभी आपको अगर हम कहें कि यहां पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो तो आप क्या निकालोगे. आप अगर ये देखोगे कि 200 ओम और ये 200 ओम सीरीज में है तो आप, और यहां पे ये ओपन सर्किट है, राइट. तो यहां पे जो ये ओपन सर्किट है तो यहां से करंट जाएगी नहीं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस समय आप लिख दोगे 400 ओम, राइट, सीरीज में. लेकिन अगर हम इस की को नीचे ड्रॉप करें तो क्या होगा, ये ए बी पॉइंट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा. और इस समय अगर हम आपको कहते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो तो अब ये कंडक्टर बन गया, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो. तो ये जीरो रेजिस्टेंस और ये 400 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आर वन आर टू 400 डिवाइडेड बाय 400 प्लस जीरो एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस है. तो एक तरह ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है जब हम की को डाउन करते हैं, राइट. अब हम की को अप करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, जैसे हम की को अप करते हैं ये सर्किट ओपन हो जाता है, तब ये रेजिस्टेंस हमारा पिक्चर में आता है. सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, इसमें हमारे आपने अभी भी देखे थे कई कीज लगे हुए थे. जैसे सपोज कर लो अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इस तरह कॉइल होती हैं, उस रेजिस्टेंस के उसके अंदर वो हम देखेंगे इस तरह की कॉइल्स होती हैं जो इस की के अक्रॉस लगी होती हैं सीरीज में इस तरह. अब जैसे ही हमने इसको ऊपर उठाया अब ये पोर्शन हमारा ओपन हो गया, तो अब ए बी के बीच कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज 200 ओम, राइट. क्योंकि ये ओपन हो गया और ये शॉर्ट है आपका सेकेंड वाली जो की है, तो ये हो गया हमारा 200 ओम, ठीक है. अगर हम इसको भी ऊपर उठा दें तो ये ऊपर वाली सर्किट होगी. अब ये दोनों कॉइल हमारे रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उस सर्किट में, तो ये हो जाएगा हमारा 400 ओम. ये बेसिक है हमारा इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, हम जब की निकालते हैं तो वो इस तरह रेजिस्टेंस ऑफर करता है हमारी सर्किट में, राइट. और रेजिस्टेंस बॉक्स में हमारा कुछ इस तरह होता है, आप देखो इस तरह रेजिस्टेंस हमारे लगे होते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में. लेकिन हमारे पोस्ट ऑफिस बॉक्स में आपका सिर्फ ये रेजिस्टेंस होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में सिर्फ हमारा ये कॉइल लगा होता है, राइट. ये दो चीजें हमने यहां पे पकड़ी, ठीक है. अब हम आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनोमीटर हमारा लेफ्ट और राइट कब डिफ्लेक्ट करता है, इसको हम ध्यान से समझते हैं. अगर ये मुझे समझ में आ गया तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स का जो लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर का वो और एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो चलो पहले इस मैंने ये एजम्पशन माना है अपने इस पूरे वीडियो में कि अगर किसी भी सर्किट में नीचे लोअर वोल्टेज है और ऊपर हायर वोल्टेज है तो करंट ऊपर से नीचे फ्लो करेगी, हायर टू लोअर. और इस कंडीशन में हमारा ये जो डिफ्लेक्शन देगा गैल्वेनोमीटर वो क्या देगा, लेफ्ट साइड में देगा, ठीक है. तो इस चीज को अज्यूम हम ये डिपेंड करता है कि गैल्वेनोमीटर का हमारा कनेक्शन किस तरह है, पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, निगेटिव कैसे कनेक्टेड है. लेकिन हम यहाँ पे अगर नीचे लोअर वोल्टेज है और ऊपर हायर वोल्टेज है तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, मींस लोअर साइड लेफ्ट डिफ्लेक्शन लोअर वोल्टेज, ठीक है. लोअर साइड लेफ्ट डिफ्लेक्शन और लोअर वोल्टेज, ये ट्रिपल एल हम याद रखेंगे, राइट. आप देखो आप जैसे हमने क्लिक किया अब डिफ्लेक्शन किधर हो गया, लेफ्ट साइड. और इसका अपोजिट अगर रहेगा यानी नीचे हायर वोल्टेज रहेगा और ऊपर अगर लोअर वोल्टेज रहेगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन राइट साइड में होगा, राइट. इस
छोटे से कॉन्सेप्ट को हम याद करेंगे, राइट। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, वो न्यूमरिक कॉन्सेप्ट है, कोई खास नहीं है, फिर भी इसे देख लेते हैं। जैसे अगर 5.568 कहीं लिखा है, तो अगर हम यूनिट प्लेस पे अगर लिखना चाहें तो 5 को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 10/10 × 5। यहां भी वन डिजिट है तो इस तरफ भी वन डिजिट होगा। अगर हम इसे डेसिमल के वन प्लेस तक मेजर करना चाहते हैं तो हम क्या चाहिए, 5.5, तो 10/100, यानी नीचे वाले को हमने 10 टाइम्स बढ़ा दिया एक तरीके से, तो ऊपर वाला भी लगभग 10 टाइम्स बढ़ जाएगा अगर उसका रेजिस्टेंस 10 टाइम्स मतलब शो कर रहा हो, पॉइंट के बाद भी एक डेसिमल शो कर रहा हो। उसी तरह आप यहां पे देखो, अगर मुझे टू डिजिट डेसिमल के टू डिजिट तक चाहिए तो अब क्या हो जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा, तो अब वो हो जाएगा 5.56, यानी अब पिछले वाले का 10 टाइम्स या पहले वाले का 100 टाइम्स बढ़ गया, राइट। तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्चुअली आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, वो पढ़ा, उसमें आपने ये देखा होगा कि S इज इक्वल टू क्यू बाई पी आर होता है। ये कैसे होता है ये हम देखेंगे, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो हम आएंगे उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पर आप यहां पे देखो क्यू बाई पी का रेशियो देखो चेंज हो रहा है, दैट इज क्यू बाई पी 10/10 था, अब यहां 10/100 हो गया, और यहां पे क्या हो गया, क्यू बाई पी दैट इज 10/1000। ये जो हमने कॉन्सेप्ट अभी बताए, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसी को मैं वहां अप्लाई करूंगा जब हम अननोन रेजिस्टेंस पोस्ट ऑफिस बॉक्स को मेजर करेंगे, राइट गाइस। तो चलो सबसे पहले जो उसका प्रिंसिपल है जिसपे बेस्ड है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज उसको समझते हैं। वो कुछ इस तरह है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ए बी हमारा हो गया, ये ए ये बी ये सी और ये डी, ए बी ये हो गया एक दो पॉइंट, फिर बी से सी उसके बीच एक रेजिस्टेंस है, ए डी के बीच रेजिस्टेंस है और डी सी के बीच रेजिस्टेंस है, राइट। और अभी हम लोग ने लिखा था ना S इज इक्वल टू क्या लिखा था हम लोग ने, अगर आपको याद है तो S इज इक्वल टू हमने लिखा था Q by P into R, राइट। और देखना ये जो Q by P को तो हम चेंज कर रहे थे, मींस ये रेजिस्टेंस Q और P को हम चेंज करते रहेंगे, और इस जो वहां पे हमने नोट किया था ना 5.568 अप टू दिस लिमिट तक हम इसको निकालेंगे, राइट गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस सर्किट की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे इस सेल को इस सर्किट को ऑन करते हैं तो क्या होगा, उसको ऑन किया, की को हमने प्रेस किया, की हमारी प्रेस हुई तो ये सर्किट हमारी एक्टिव हो गई। इसका मतलब हो गया ए बी सी के से हमारा जा रहा होगा आपका करंट, ए बी सी से होके जा रहा होगा और ये ए डी सी से भी होके करंट जा रहा होगा, मींस ए बी के बीच वोल्टेज डेवलप है, बी और सी के बीच भी वोल्टेज डेवलप है, उसी तरह ए और डी के बीच भी वोल्टेज डेवलप है और डी और सी के बीच भी वोल्टेज डेवलप है। ये किस तरह वोल्टेज डेवलप है, सपोज कर लो यहां पे हमारा यहां पे ये कुछ बैटरी लगा है, यहां पे नेट जो हमारा इसके क्रॉस आ रहा है ए और सी के बीच, अगर वोल्टेज हमारा सपोज कर लो 10 आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है सपोज कर लो, इन दैट केस हमारा बी का वोल्टेज क्या होगा, ये पॉइंट समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहां पे एकदम क्लियर करके बता रहा हूं। तो बी का क्या होगा हमारा वोल्टेज, तो हमारा क्या होगा, एक तरीके से ये पैरेलल में है हमारा, ये दोनों इनका सीरीज का कॉम्बिनेशन और नीचे वाले सीरीज का कॉम्बिनेशन ऊपर वाले से क्या है, अभी पैरेलल में है, गैल्वेनोमीटर अभी यहां पे नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 और 10 यानी वोल्टेज डिवीजन हम यहाँ पे जो हमने पढ़ा था अपने बेसिक टूल में किस तरह हम वोल्टेज को डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, और वोल्टेज डिवीजन आर के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे, यहाँ तो साफ पता चला दोनों क्या इक्वल हैं, तो इक्वल इक्वल यानी 5 वोल्ट इसके क्रॉस होगा, 5 वोल्ट इसके क्रॉस होगा, मीन्स यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा कितना रहेगा 5 वोल्ट और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा 5 वोल्ट, राइट। अब यानी इस पॉइंट का वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट हो गया। अब यहां की बात करें, यहां पे कैसे आया, सिंपल है, बिकॉज हमने पढ़ा था V को हमने डिवाइड करना है कहीं पे, तो हमें V1 चाहिए होता है, तो R1
अपॉन आर वन प्लस आर टू करते हैं, इंटू वी को डिवाइड करना है। अगर वी टू चाहिए तो आर प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज आर टू आर वन प्लस आर टू इंटू वी। सिंपल है, जो कि हमने बेसिक टूल में पढ़ा था। तो इस कॉन्सेप्ट यहां से हमारा आर वन आर टू दोनों बराबर, इसलिए वी बाई टू हो गया, दैट इज इट विल बिकम 5 वोल्ट। अब नीचे की बात करें इस पे, इसमें अगर देखें ये 1 ओम हमने अब यहां रखा है और यहां पता नहीं कितना वोल्ट है, या तो ज्यादा भी हो सकता है 1 ओम से या कम भी हो सकता है। अगर ये हमारा ज्यादा है तो ए डी के बीच हमारा वोल्टेज क्या होगा, लोअर होगा कि हायर होगा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ए डी के बीच का जो वोल्टेज होगा कम होगा, यानी अब रेशियो कम होगा, यानी मतलब क्या होगा, इक्वल डिवाइड नहीं होगा। यानी यहां पे आप ये मान लो 10 वोल्ट है तो यहां पे 8 वोल्ट भी हो सकता है, यहां पे 2 वोल्ट, ये अभी हमें पता नहीं है। लेकिन अगर ये आर वन इसके एस से हमारा इसका रेजिस्टेंस कम है तो सपोज करो 2 वोल्ट है, मींस यहां पे डी का लोअर जो हो गया हमारा वोल्टेज, ठीक है, यहां हमारा 5 वोल्ट दिखा रहा है, डी पे क्या दिखा रहा है हमारा 2 वोल्ट। इसका मतलब अगर यहां से हम कोई वायर को कनेक्ट करें तो करंट किधर जाएगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर आएगी। इसका मतलब क्या होगा, हमारा करंट किस तरह डिफ्लेक्ट होगा, अभी हमने देखा लोअर साइड में अगर लोअर वोल्टेज होता है तो गैल्वेनोमीटर में हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता है, हाँ लेफ्ट साइड में, राइट, अगर ऐसी कंडीशन है। तो चलो अब गैल्वेनोमीटर हम लाते हैं अपने पिक्चर में, ये हमने गैल्वेनोमीटर लाया और लाते ही हमने अब देखा, वाओ ग्रेट, किधर डिफ्लेक्ट हुआ, लेफ्ट साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हायर वोल्टेज ऊपर है नीचे लोअर वोल्टेज है तो गैल्वेनोमीटर हमारा किधर डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट साइड में, और यही कारण है कि ये डिफ्लेक्ट होता है हमारा एक साइड। अब ये धीरे धीरे हम इसे इसको हम बढ़ाते हैं इस 1 ओम को, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमने क्या कर दिया 3 ओम, सेम कंडीशन हमने यूज करेंगे, अभी भी यहां पर 10 और 10 है, तो अभी भी अगर ये लोअर वोल्टेज होगा तो डिफ्लेक्शन किधर दिखाएगा, लेफ्ट साइड में, और ये अगर इस 3 ओम से ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहां पे फिर लोअर वोल्टेज आएगा, जिससे कि ये बी से क्या होगा हमारा हमेशा कम दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल अगर रेजिस्टेंस होता है तो 5-5 हो गया ना, अगर ये 10 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहा है इसी के द्वारा, लेकिन कम ज्यादा होगा तो जिधर ज्यादा होगा उधर ज्यादा वोल्टेज होगा, जिधर कम रेजिस्टेंस होगा उधर कम वोल्टेज होगा। ऑब्वियस इस समय भी अगर ये इसका रेजिस्टेंस इसका 3 से ज्यादा है तो इस तरफ क्या होगा, वोल्टेज हमारा 5 से कम ही होगा, अगर हमने 10 वोल्ट यहां पे सपोज किया है एसी के क्रॉस। तो आप देखो फिर हम गैल्वेनोमीटर लाते हैं पिक्चर में, फिर चेक करते हैं, देखो फिर ये डिफ्लेक्शन किधर हुआ, लेफ्ट साइड में, फिर इंक्रीज करते हैं आपकी 5, राइट, अब हम 5 कर रहे हैं तो इस समय हमारा क्या होगा, हम ये मान के चल रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, ये जो मैंने कॉर्नर पे लिखा है कि रेजिस्टेंस एस का 5.568 है, ये बैक ऑफ माइंड में हम मान के चल रहे हैं, पर हमें इसे कैलकुलेट करना होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, राइट। तो अभी हमारा 5 है, तो अभी अगर वही कॉन्सेप्ट रहा कि इधर लोअर रहा इधर हाई रेजिस्टेंस रहा, तो इधर डी पे लोअर वोल्टेज बी के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि इक्वल अगर रेजिस्टेंस रेशियो रहता है तो इक्वल इक्वल डिवाइड होता है, अगर अनइक्वल रेजिस्टेंस होगा नीचे तो यहां पे हमारा अनइक्वल वोल्टेज होगा, जो कि अगर ये ज्यादा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा और इसके क्रॉस वोल्टेज 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज कम होगा, तो डी फिर क्या आ गया हमारा लोअर वोल्टेज साइड में। देखते हैं गैल्वेनोमीटर को लाते हैं, इसका डिफ्लेक्शन देखते हैं, इसका डिफ्लेक्शन किधर हुआ, लेफ्ट साइड में, राइट। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके रेजिस्टेंस को, अब की हमने क्या कर दिया 6 वोल्ट, जैसे ही 6 वोल्ट किया, अब अगर हमारा ये रेजिस्टेंस है 5.568, तो अब ये जो वैल्यू है इसकी, ये रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एडी के क्रॉस वोल्टेज जो है, अब मान लिया इसके क्रॉस वोल्टेज कितना, अगर हमारा 10 लगा होगा तो कुछ भी होगा तो ज्यादा हो गया होगा ना, यहां तो 5 वोल्ट लग रहा है ए और बी के क्रॉस, यहां तो 5 ही वोल्ट है क्योंकि इक्वल है, इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, चेंज अब कहां हो गया एडी के क्रॉस, तो यहां पे हमारा क्या हो गया 5 वोल्ट से ज्यादा हो गया, मीन सपोज कर लो 7 वोल्ट हो गया, वैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, वीडियो और लंबा जाएगा, यानी हमारा 7 वोल्ट मान लिया, तो अब क्या हो गया, ये हमारा डी पॉइंट है, हायर पोटेंशियल पे हो गया।
अब हमारा ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। अब करंट किधर फ्लो करेगी, नीचे से क्या करेगी, ऊपर की ओर फ्लो करेगी। और इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जब हायर वोल्टेज नीचे होता है और ऊपर लोअर वोल्टेज होता है, तो गैल्वेनोमीटर का जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होना चाहिए, राइट साइड में, राइट। तो आप देखो ये मैंने लाया, अब देखो डिफ्लेक्शन किधर हुआ, राइट साइड में। तो ये पता चल गया कि एस जो है हमारा 5 और 6 के बीच में है, ये अननोन है, और जो कि यहां पे आपको दिख ही रहा है दैट इज 5.568। ये हमारा बेस हुआ जो कि हमारे पोस्ट ऑफिस बॉक्स का मतलब हार्ट हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फिर वो आगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। अब हम इस रेशियो को चेंज करते हैं। अब हमने क्या कर दिया, यहां कर दिया 100 और यहां कर दिया 10, यहां पे रेशियो चेंज हुआ। तो जब पी में चेंज हुआ तो इस आर में भी तो चेंज उसी के प्रोपोर्शन होना पड़ेगा रेजिस्टेंस को, तभी तो ये फिर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसके इक्वल मतलब मान लिया बैलेंस होता तो इसी के प्रोपोर्शन चेंज होता ना, तो इसी के प्रोपोर्शन बढ़ेगा, यानी 10 न्यूटन में आ जाएगा, टेंस में आ जाएगा ये भी। नहीं तो सपोज करो अगर 10 ही लिया था तुमने, तो अगर हम यहां पे 10 वोल्ट लिया था तो यहां पे वोल्टेज हमारा अभी कितना आता 10 वोल्ट का, तो हम कैसे लेते, हम लिखते 10 वोल्ट लिखा और इसको डिवाइड किया 100 के अक्रॉस चाहिए, डिवाइडेड बाय 100, 10 कर दिया, राइट। तो एक जीरो कैंसिल हुआ, तो ये हो गया हमारा 100/11, इसके क्रॉस आ गया और इसके क्रॉस भी कितना आ जाएगा। अब हम क्यू के क्रॉस निकालेंगे तो इसी के प्रोपोर्शन होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज 10/110, 10 ओम रेजिस्टेंस हो गया इनटू 10 वोल्ट हमने अप्लाई किया, तो ये 10 या 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा। अब देखो दोनों वोल्टेज ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 110, नीचे आएगा 11, इट विल बिकम 10 वोल्ट, राइट। तो ये हमारा डिवीजन हो गया। तो आपने याद रखा है यहां पे हमारा लगभग आप समझो 100/11 है और यहां पे हमारा क्या है 10/11 है, तो वोल्टेज में क्या रेशियो आ रहा है, वही रेशियो आ रहा है जो रेजिस्टेंस का हो रहा है। तो सेम थॉट तो यहां का भी होगा, अगर ये 53 है तो ये 10 टाइम्स वोल्टेज होना चाहिए इसका, इसीलिए ये क्या आ गया हमारा नेक्स्ट 5 से किधर हो उसको हमें रखना पड़ेगा, इनको 10 टाइम्स मतलब हमने वहां पे 5 और 6 के बीच निकाला था, तो ये 50 से ऊपर यहां पे मुझे रखना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह हमें देखेंगे, और अगर हम इसी वैल्यू को मान के चलते हैं एस की, तो अब आप देखो अगर हम यहां पे गैल्वेनोमीटर को पिक्चर में लाते हैं और हम क्लिक करते हैं तो अभी भी क्या दिखा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ऑब्वियस है ये 5.53 है और यहां देखो कितना आ रहा है 55 आ रहा है, अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अभी भी ज्यादा है, इसलिए डी पॉइंट क्या आ रहा है हमारा लोअर साइड आ रहा है, राइट। इस चीज को मैं डिटेल में हम लोग देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, तो बी पेशेंट, आप इसे समझें, फिर हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज अब 55 कर लिया, तो अब यहां पे हम लाएंगे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर लाया, क्लिक किया, किधर गया 55, क्योंकि 55 से इसको 10 टाइम्स करेंगे तो ये ज्यादा है 68 है ना, तो ऑब्वियस थोड़ा सा ये वोल्टेज इसका कम होगा एडी के क्रॉस। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब की 56 ले आए, अब देखो ये 55 से ज्यादा है, 10 टाइम्स ले रहा है ना, तो 55 से ज्यादा है, तो अभी हमारा डिफ्लेक्शन किधर होना चाहिए, राइट साइड में, राइट। जो कि ये हो रहा है, की को ऑन करना जरूरी है, सबसे पहले की को ऑन करते हैं फिर गैल्वेनोमीटर को, अभी हमने सिर्फ की को ऑन नहीं किया था, ये की को हम लोग सबसे पहले ऑन करेंगे, एक्टिव करेंगे सर्किट को, राइट। सबसे पहले तो एक्टिव करना है सर्किट को, राइट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। की बैटरी की को हमेशा प्रेस करना है हमें फर्स्ट, और क्यों करना है ये हम लोग देखेंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, पिछले दो स्लाइड्स में हमने की को ऑन नहीं किया, राइट। यस गाइस, तो अभी हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब उस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह पोस्ट ऑफिस बॉक्स के जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसमें हम किस तरह अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स को समझते हैं, ये हमारा ए बी है, ये रेशियो आर्म्स होते हैं, ए बी और बी सी हमारे रेशियो आर्म्स हैं, और ए से ये जो डी है हमारा ये, यहाँ पे आप देखो इस तरह रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, किस तरह लगे हैं ये हम देखेंगे, पर ये बड़ा यूनिक सा है
आप देखो 1, फिर 2, 2, फिर 5, इसमें 3 और 4 नहीं है। इसको यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसकी कॉस्ट को बचा लिया गया 3 और 4 को। इसी तरह यहाँ 2020, फिर 200, 200, यहाँ 2000, 2000, राइट। तो ये है। तो चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें क्या है, किस तरह ये कनेक्टेड है। हमने जो अभी अपना पोस्ट ऑफिस, अभी जो हम लोग ने अपना वीट स्टोन ब्रिज जो देखा था, देखो ए और बी के बीच हमारा ये है इस तरह, फिर बी और सी के बीच हमारा ये है, ये जो हमने ब्लिंक कर रहे हैं पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखो ए से डी, ए से डी के बीच हमारा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो इस तरह 1 से लेके 5000 ओम तक हमारा ये रेजिस्टेंस इस तरह अरेंज है, राइट। और डी और सी के बीच, मीन्स डी और ये जो सी है, यहाँ पे हमारा एक अननोन वायर आएगा जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। अब किस तरह ये कनेक्टेड है, आप यहां पे देखो ए से बी की ओर, ए से बी, ए और सी के बीच आप देखो हमारा क्या है, एक सेल कनेक्टेड है। तो ए हमारा कहां हो गया, ये ए, देखो ये डॉटेड लाइन इस तरह आया हुआ है और की के हेल्प से ये बैटरी से कनेक्टेड है, और इस सेल का नेगेटिव देखो सी पे जाके मिला है, और ये देखो सी पे जाके मिला है। तो ए सी हमारा इस तरह कनेक्टेड है। दो, ये हमारा जो ए और सी है की, ये इंटरनली कनेक्टेड है, जो अभी हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए डॉटेड लाइन बना रखा हूं। उसी तरह बी और डी के बीच हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये बी और ये हमारा डी है, और इसके बीच हमारा ये के टू की के थ्रू ये हमारा गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। के टू और बी भी हमारा इंटरनल कनेक्शन होता है इसका, कैसे होता है ये हम देखते हैं। देखो आप, ये हमने इसको ओपन किया, ये देखो इस तरह ये हमारा जो कनेक्टेड है, ए से हमारा क्या हो गया, देखो ये K1 कनेक्टेड हो गया, यही तो था हमारा, देखो ए से डॉटेड लाइन ऐसे कनेक्टेड थी, ये इंटरनली यहां पे कनेक्टेड हो गया, और बी से हमारा K2 कनेक्टेड, यानी बी और डी हमारा गैल्वेनेटर के थ्रू कनेक्टेड है। और ये क्वाइल्स आप देख रहे हो, ये क्वाइल्स, ये IT में पूछा गया था, फिगर दे दी गई थी, तो उसमें पूछा गया था कि किस तरह कॉइल का, कौन सी कॉइल होती है। ये कॉइल स्पेशली यहां देखो डबल लाइन है, अगर आप इसको देखना चाहो, देखो जूम किया, देखो ये डबल लाइन है हमारी, देखो डबल वायर से बनी होती है कॉइल। क्यों, क्योंकि जब हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से तो अचानक करंट फ्लो करती है, जैसे जीरो से सम वैल्यू ऑफ करंट आएगी तो आपका चेंज होता है DIY/DT या फ्लक्स चेंज होता है थ्रू कॉइल, तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, इंड्यूस्ड, तो वो इंड्यूस्ड EMF यहाँ पे आ जाता है। लेकिन डबल वायर होने के कारण एक करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, रिटर्निंग करंट होती है, एक कमिंग करंट होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो जाती है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, इसलिए ज्यादा हमारा D5/DT या DIY/DT नहीं होता। तो इंड्यूस्ड जो वोल्टेज होता है वो कम होता है। अब इंड्यूस्ड वोल्टेज से आपका डिसएडवांटेज क्या है, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज आपके इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आ जाएगा तो इसको अफेक्ट कर सकता है, इसको खराब कर सकता है। तो इसी कारण ये हमारा इस तरह की कॉइल्स, रेजिस्टेंस कॉइल्स होती हैं जो हम यहाँ पे देखते हो आप। इंटरनल जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, राइट। तो इसका कारण ये है, ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अगर हम टर्मिनल जिसके क्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं, यानी BD के क्रॉस अगर वहां सेल लगा दें और AC के क्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम देखेंगे की कौन सी पहले हमें प्रेस करनी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो की बैटरी से कनेक्टेड होती है उसको हम सबसे पहले प्रेस करते हैं, जिससे हमारी करंट जो है स्टडी हो जाती है, और उसके बाद हम गैल्वेनोमीटर को पिक्चर में लाते हैं, तब भी हमारी करंट चेंज होती है, उतनी चेंज नहीं होती जो इसको गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सके, राइट। तो ये कुछ हमारा इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है, कॉइल इस तरह होती है, ठीक है। तो चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, हमारा वापस लाते हैं इसको बोर्ड में।
अब आप सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारा अननोन वायर है उसको हम किसके क्रॉस लगाना है, डी और सी के क्रॉस, ठीक है। ये कनेक्शन हमने देख लिया, प्रॉपर हमने लगा लिया, इसको फिट कर लिया, की हमें अभी दोनों ओपन की हुई है। अब हम डी से सी के बीच एक वायर कनेक्ट करते हैं। ये हमारा वायर देखो कनेक्ट हो गया डी से सी की ओर। अब हमें मेन टारगेट क्या है, डी और सी के बीच जो वायर है उसका रेजिस्टेंस निकालना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कनेक्शन हमारा करेक्ट है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम पहले रेशियो उठाते हैं, ये हमने की उठाया ये, और फिर 10 ओम, पी से 10 ओम रेजिस्टेंस दिया, यहां से भी 10 ओम दिया। क्वेश्चन ये है कि 1 क्यों नहीं उठाया। 1 हम इसलिए नहीं उठाते हैं कि जो भी हमारे कनेक्टिंग वायर होते हैं उनके भी कुछ कुछ रेजिस्टेंस होते होंगे, तो वो भी पिक्चर में आ जाएंगे, तो हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो भी कनेक्टिंग वायर्स हैं उसको हम निगलेक्ट करते हैं, राइट। तो ये उठाया पी और ये उठाया हमने क्यू जो कि 10 है। उसके बाद हमने 1 की को उठाया, इसके बाद हमने क्या किया यहां पे, सबसे पहले हमने की जो है बैटरी की को हमने प्रेस किया, उसके बाद हमने गैल्वेनोमीटर की को प्रेस किया, और देखते ही हमारे क्या आया, लेफ्ट डिफ्लेक्शन आ गया। ओके, एक चीज सही हो गई। अब हमने क्या करा, उसी तरह पहले हम गैल्वेनोमीटर की को ऊपर उठाएंगे, गैल्वेनोमीटर की को ऊपर उठाया, और फिर अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसको नीचे किया। अब हम इंफिनिटी, ये जो की है ये हमारी इंफिनिटी की, यानी ओपन है ये। यहां पे अगर हम इसको उठाते हैं तो ये देखो यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसके अंदर आप देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये ओपन है, तो इनफिनाइट रेजिस्टेंस हो गया। तो यानी इस तरफ का इनफिनाइट वोल्टेज क्या हो गया, ज्यादा। अपने इसमें देखो ये इनफिनाइट रेजिस्टेंस हो गया इस तरफ का, तो इधर हमारा वोल्टेज एस का क्या हो गया, आर का क्या हो गया, हमारा इनफिनाइट रेजिस्टेंस हो गया, एस का क्या हो गया कम, तो यानी डी का हायर वोल्टेज हो गया होगा, राइट। तो इस समय हमारा ये हायर वोल्टेज हो गया डी, तो हमारा डिफ्लेक्शन किधर होना चाहिए था वो हम लोग देखते हैं। प्रेस किया हमने की को, पहले से प्रेस है, और उसके बाद अब हम फिर गैल्वेनोमीटर को की को प्रेस करेंगे, तो डिफ्लेक्शन देखेंगे क्या आया, राइट साइड। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो ये रेजिस्टेंस है वो क्या है, इसकी वैल्यू जो है 1 और इन्फिनिटी के बीच है, राइट। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज और, इसकी सेंसिटिविटी हमें इस तरह रखनी पड़ती है कि हर ब्रांच में, हमारे चारों ब्रांच में अप्रोक्सीमेटली आसपास का रेजिस्टेंस हो, ऐसा नहीं कि एक बहुत ज्यादा हो दूसरा बहुत कम हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा इसकी सेंसिटिविटी डिस्टर्ब नहीं होती। सबसे पहले हम 1 ओम हम रेजिस्टेंस को यहां से पिक करते हैं, तो ऑफर हमारा यहां पे हुआ 1 ओम। अब हम की को सबसे पहले बैटरी की को, सेल की को प्रेस करते हैं, ये जैसे प्रेस किया, उसके बाद हम आते हैं गैल्वेनोमीटर की को। जैसे ही गैल्वेनोमीटर को की को हम प्रेस करेंगे, आप डिफ्लेक्शन देखना किस तरफ होगा, ठीक है। तो ये मैंने गैल्वेनोमीटर को प्रेस किया, तो डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, आप देखो लेफ्ट साइड में हुआ। क्यों हुआ ये हमने अभी बताया था ना, इसमें क्योंकि एडी के क्रॉस हमारा 1 ओम आया ऑफर, और एस के क्रॉस क्या हुआ, हमारा ज्यादा होगा 1 ओम से, इसलिए इधर वोल्टेज डी का वोल्टेज क्या होगा, लोअर होगा, और बी तो आपका क्योंकि रेशियो अच्छा, हमने इसको अप नहीं किया, पहले हम लोग इसे अप करते हैं दोनों को, 10 ओम और 10 ओम, ये पहले हम अप करेंगे, उसके बाद ये रेजिस्टेंस 10/10 हो गया, तो ये पहले अप किया, उसके बाद ये हमने 1 ओम उठा के की को प्रेस किया, फिर गैल्वेनोमीटर की को प्रेस किया, राइट। तो यहां पे हमारे लोअर वोल्टेज है और यहां पे हायर है, तो हमने अभी देखा था लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट किया गया वोल्टेज, राइट। अब हम आते हैं 1 ओम हमने कर लिया, इसको हमने वही रखा, ये पी हो गया हमारा, इधर ए बी वाला पी हो गया, बी सी वाला क्यू हो गया, 1 को हमने नीचे किया, और इस की को हमने ओपन किया, बैटरी की को ओपन किया, और गैल्वेनोमीटर की को ओपन कर दिया, राइट, और गैल्वेनोमीटर भी हमारा डिफ्लेक्शन आ गया। अब हम देखेंगे 2 हम लोग ऑफर करेंगे इसको, या हम लोग 3 करते हैं, यानी 3 हम रेजिस्टेंस, यानी जो हम चेंज कर रहे हैं
अपने एडी ब्रांच में, यानी आर की वैल्यू जो हम चेंज कर रहे हैं, अब हम 3 रखते हैं, तो हम 2 उठाएंगे और यहां से 1 उठाएंगे, तो 2-3 रेजिस्टेंस ऑफर हुआ। और फिर हम इस गैल्वेनोमीटर को चेक करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम की बैटरी को प्रेस किया, सेल की बैटरी को प्रेस किया, ये प्रेस किया, उसके बाद अब हम फिर देखेंगे डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है। तो अब गैल्वेनोमीटर की को हमने प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया डिफ्लेक्शन किधर हो गया, देखो लेफ्ट साइड में। तो अभी भी ये पता चल गया कि ये जो 3 ओम है ये अभी लोअर साइड में है इस डीसी के रेजिस्टेंस, राइट। तो इसी तरह हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू उठा सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लो आपको 39 चूज करना है, तो आप 20 आप पिक कर लो, ठीक है, 10 पिक कर लो, 30 हो गया, और ये 5 पिक कर लो और 2 उठा दो, 39 हो गया। इसी तरह कोई भी कॉम्बिनेशन आप यहां से चूज कर सकते हो, कोई भी रेजिस्टेंस आप यहां से पिक कर सकते हो, राइट। तो हमने ये देखा 3 ओम पे भी ये डिफ्लेक्शन क्या दे रहा है, कम दे रहा है, लोअर साइड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन है। इसको हमने नीचे किया, इस की को प्रेस किया, फिर हमने क्या किया, इस बैटरी को पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर को पहले उठाएंगे ऊपर, ये उठाया गैल्वेनोमीटर की को और ये डिफ्लेक्शन वापस 0 हो गया। उसके बाद हम बैटरी की को उठाएंगे, फिर वही प्रोसीजर चेंज नहीं करेंगे, यानी पहले सेल की को प्रेस किया, फिर गैल्वेनोमीटर को जो हम इस ऑफ सर्किट को ऑफ करना चाहेंगे, तो पहले गैल्वेनोमीटर की को उठाएंगे और फिर उसके बाद सेल की को। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, अब हम 5 को उठाते, 5 को उठाया की को, अब उसके बाद फिर हमने सेल की को प्रेस किया और उसके बाद हमने गैल्वेनोमीटर की को फिर प्रेस किया, तो इस बार फिर हमारा डिफ्लेक्शन किधर हो गया, आप देखो यहां पे वो उसमें देखो आप गैल्वेनोमीटर पे लेफ्ट डिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब अभी भी ये बता रहा है कि ये जो हमारा एडी जो है, ये वाला जो पॉइंट है डी जो है हमारा लोअर साइड है, जो एडी में हमने इस समय क्या दे दिया यहां पे 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो अभी भी ये बता रहा है कि ये एस से हमारा कम है। ओके, फिर हम सेल की को ऊपर उठाते हैं और फिर गैल्वेनोमीटर की को ऊपर उठाते हैं, अब डिफ्लेक्शन हमारा वापस 0 हो गया, इसको वापस रखते हैं, ये रखा। अब हम 5 एक और बढ़ाते हैं, इसी तरह हम ये तो हम एट्रेंडम हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हम टू द पॉइंट पहुंच रहे हैं। हम अभी 6 ओम देते हैं, जैसे ये 5 ओम उठाया और 1 ओम उठाया, अब यहां पे क्या हो गया 6 ओम डेवलप हो गया। और फिर हमने यहां पे सेल की को प्रेस किया और फिर गैल्वेनोमीटर की को प्रेस किया, इस समय हमारा 6 एम है रिस्क। अब देखो डिफ्लेक्शन किधर हो गया, राइट साइड में। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरफ यानी एडी के क्रॉस वोल्टेज हमारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी डी का वोल्टेज ज्यादा, करंट हमारी रिवर्स हो गई और एस के क्रॉस वोल्टेज कम हो गया। तो यानी ये पता चल गया कि हमारा ये जो ग्रीन कलर का रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जो है 5 और 6 के बीच, राइट। तो ये सबसे पहले चीज हमें मालूम चल गई और इसे हम यहां लिखते हैं, हमारा रेजिस्टेंस क्या है, यहां पे आप लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 और 6 के बीच, ये पता चल गया। और यहां से आपका फॉर्मूला तो वही है, दैट इज फॉर्मूला तो हमारा चेंज नहीं होगा, वो हमने यहां पे लिख देते हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू सॉरी पी इंटू आर, ये होगा हमारा दिस पी। अब ये पता चल गया कि एस की वैल्यू जो ग्रीन कलर की है वो 5 और 6 के बीच है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन हो गया, राइट। तो अब फिर है हम उठाते हैं इस सेल की को, या इसे वापस रखते हैं, ये हमने ये रखा और ये रखा वापस, सबको हम 10 को रहने देते हैं, इसको 10 वाले को ए बी ब्रांच के नीचे कर लेते हैं, इसकी की को उठाते हैं, सेल की को और फिर गैल्वेनोमीटर की को उठाते हैं, तो ये उठाया और डिफ्लेक्शन हमारा वापस 0 हो गया, राइट गाइस। तो अब मुझे ये पता चल गया कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 और 6 के बीच है। अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो हम में हम इसके रेशियो को चेंज करेंगे, यानी अभी हमारा अगर यहां पे हम देखें, अगर फॉर्मूला लगाए अपने प्रीवियस केस पे, तो हमारा क्या आता, वहां पे हमारा क्या आता, इसको लिखते अगर तो हम लिखते क्या,
एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 10 by 10 इंटू क्या लिखते हैं, मिनिमम ले लेते हैं सपोज कर लो, है ना, मिनिमम 5 और 6 के बीच है, तो हम मिनिमम ले लेते हैं, तो क्या आता 5, 10 10 कर गया तो 5 ओम आता या 6 ओम से कम आता, यही तो आता अभी रेजिस्टेंस, राइट। लेकिन अब हमने रेशियो क्या कर दी, चेंज कर दी, अब हम क्या कर रहे हैं, 100 ओम को अप कर रहे हैं, यानी अब वही वाला केस हो गया कि अब ये 10 टाइम्स हमारा वोल्टेज यहां पे बढ़ गया इसके क्रॉस, क्योंकि एबी के बीच आप देखो, एबी के बीच, ये जो एबी के बीच हमारा वोल्टेज क्या है, 10 टाइम्स बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस भी यहां पे हमारा 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज ए और डी के बीच। तो अब हम यहां से मिनिमम तो हमें पता था ना 5, तो इसका 10 टाइम्स कितना हो गया, दैट इज 50, तो हमें अब 50 अप करना है, तो ये हमारा 50 है, इसको हमने अप किया, या 50 तो मिनिमम है, हम और उठाते हैं 50 के ऊपर, हम करते हैं 51 या 52 करते हैं या 53 कर लेते हैं। अब हमने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया, 50 यहां पे और 3 यहां पे, तो 53 ओम हो गया। अब हम देखते हैं इसको क्या है इसका डिफ्लेक्शन, तो हमने क्या किया, फिर सेल की को प्रेस किया और फिर बैटरी की को प्रेस किया और अब डिफ्लेक्शन देखा किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में, राइट, यानी 53 ओम पे भी क्या आ रहा है हमारा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब अभी भी क्या है, आप देखो अपने सर्किट से कि ये अभी भी क्या है, लोअर साइड में, डी मींस एडी के क्रॉस रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, अभी भी कम है, तभी ये डी हमारा क्या है, लोअर साइड में, राइट। अब फिर से हम इसको चेंज करते हैं, अब हम डायरेक्ट 55 करते हैं, 55 कैसे करें, पहले हम सेल की को ऊपर करेंगे, सबसे पहले ऊपर किया, फिर बैटरी की को हमने ऊपर किया और रिफ्लेक्शन हमारा जीरो हो गया। अब हम सीधे 55 करते हैं, 53 हो गया, इस 2 को और उठा लेते हैं, इस 2 को भी उठा लिया, तो अब यहां पे देखो 2 + 2 और 1 5 हो गया, ये 50, तो टोटल हो गया 55। सेल की को हमने प्रेस किया, उसके बाद कैलोमीटर की को प्रेस किया, अब देखो डिफ्लेक्शन किधर आया, फिर लेफ्ट साइड में। इसका मतलब ये हो गया कि 55 भी यहां पे, जो हमने 55 लगा रखा है इस पे, यहां भी हमारा डी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी भी इसका रेजिस्टेंस क्या कम है, और इसी कारण यहां पे वोल्टेज हमारा कम आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा अप करते हैं, 55 हो गया हमारा, अब हम लगाते हैं 56 किस तरह ऑफर करेंगे आप, तो सबसे पहले सबको हम इस की को हटाते हैं, सेटअप करते हैं, फिर से ये किया ऊपर और फिर डिफ्लेक्शन की, और गैरोमीटर हमारा ऊपर हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अब हम इस सबको नीचे रखते हैं, वापस पुटअप करते हैं, ये रखा, अब मुझे चाहिए 56 हम 5 को अप कर दें और 1 को अप कर दें, तो अब हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया, 56। फिर हम सेल की को प्रेस किया और फिर गैरोमीटर की को प्रेस किया, और इस बार डिफ्लेक्शन हमारा किधर आया, देखो राइट साइड में। इसका मतलब ये हो गया 55 में लेफ्ट आ रहा था और 56 में क्या आया, राइट। तो अब हमारी एस की वैल्यू भी पता चल गई, अब हम एस की वैल्यू यहां कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, चलो तो कैलकुलेट करते हैं। 55 मिनिमम लेते हैं, 55 और 56 पे, तो अब हम देखते हैं 55 लेके देखते हैं मिनिमम हमारा क्या हो गया, 55 और 56 पे एक एक का डिफरेंस ले रहे हैं टोटल में, हर एक ओम पे हम अपने आप को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एस की वैल्यू अब हम यहां निकालते हैं, दैट इज 10/100 हो गई, और अब मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, यानी मिनिमम तो इतना हो गई होगा 55, तो ये देखो कट गया, ये कितना आ गया, दैट इज 5.5 ओम तो रहेगा ही रहेगा, और ये 5.5 से ज्यादा ही है, ठीक है, यानी 5.546 कुछ भी हो सकता है, राइट, ये पता चल गया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, फिर उसी तरह पहले सबको नीचे रखते हैं, सेल की को अप किया, गैरोमीटर की को भी अप कर लिया, अब ये अप हो गया। अब हम सबको नीचे करते हैं, इसको भी नीचे करते हैं, ये नीचे किया, ये किया, राइट, ये 10 ही रहने देते हैं। अब हम इस आर्म में रेशियो में क्या उठाते हैं, अब कि इसका 100 टाइम्स कर लेते हैं, 10 10 के रेशियो का, या पिछले वाले का 10 टाइम्स 1000,
अब आप देखो यहाँ पहले 55 आया था, अब कितना आएगा? अगर पहले वाले के रेशियो को 1 लेंगे तो अब 550 मिनिमम होगा, यानी 550 से ऊपर ही हमारा ये रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसके ऊपर ही राइट डिफ्लेक्शन देगा, ये पता चलेगा 550 तक। यहाँ पे हमारा लोअर वोल्टेज एडी ब्रांच में लो ही वोल्टेज क्रिएट होगा जिससे कि हमारा लेफ्ट में डिफ्लेक्शन देगा। तो मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी 550। अब 550 के ऊपर हम उठाते हैं, तो 550 कैसे उठाएं? सबसे पहले हमने 500 उठाया सपोज कर लो, और अब 550 ये उठाया, ये पहले से उठा है। अब हम उठाते हैं सपोज कर लो 1 ओम, तो हो गया 551। और फिर हम की को नीचे किया और गैल्वेनोमीटर की को नीचे किया, राइट, और डिफ्लेक्शन किधर हो गया? देखो लेफ्ट, राइट। तो इस समय भी क्या हो गया? अब यहां पे अगर अपने फिगर पे देखो तो एडी के बीच अभी फिर लोअर वोल्टेज हो गया, ठीक है। इसका मतलब तभी ये लेफ्ट, यानी अभी हायर नहीं है तो ये भी लेफ्ट हो गया। तो अब हम फिर इसे चेंज करेंगे उसी तरह, फिर हम सेल की को ऊपर उठाएंगे, सबसे सॉरी पहले गैल्वेनोमीटर की को ऊपर उठाएंगे और उसके बाद सेल की को ऊपर उठाएंगे, ये उठाया, अब ये सिचुएशन हो गई। अब मुझे 550 हो गया, अब हम 554 देखते हैं, राइट। तो 554 500 हमारा ओपन है, 50 ये इसको नीचे करते हैं और ये 54 ऑफर कर देते हैं। तो अभी हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया एडी ब्रांच में? आप देखो एडी ब्रांच में हमने कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया, 554, राइट। और यहां पे हमारा और क्या है, पी पे 1000, ठीक है। तो अब आप डिफ्लेक्शन देखेंगे इसको, जैसे ही हम इसे सबसे पहले सेल की को ऑन करके स्टेबलाइज किया सर्किट को, उसके बाद हमने इसको गैल्वेनोमीटर की को प्रेस किया, तो डिफ्लेक्शन किधर हो गया? लेफ्ट साइड में। तो अभी भी 554 पे भी हमारा क्या है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन, अभी भी ये हमारा लोअर वोल्टेज है, ठीक है, एडी के अक्रॉस। अब हम फिर चेंज करते हैं उसी तरह, फिर हमने सेल की को ऊपर उठाया, गैल्वेनोमीटर की को ऊपर उठाया और डिफ्लेक्शन होगा जीरो हुआ। अब हम इसको 554 हो गया सपोज कर लो, 6 करते हैं, राइट। तो अब आप देखो यहां पे 556 कैसे करेंगे, 500 ये हो गया, 50 हो गया, तो इन दोनों को हम नीचे करते हैं, 2 ओम को और 1 ओम को उठाते हैं। अब हम डिफ्लेक्शन देखेंगे उसी तरह, सेल की को डाउन करके स्टेबलाइज किया करंट को ड्यू टू अवॉइड इंड्यूस वोल्टेज, फिर हमने गैल्वेनोमीटर की को प्रेस किया और ये डिफ्लेक्शन किधर आ गया, आप देखो राइट साइड में आ गया। इसका मतलब हो गया 556 पे और रेजिस्टेंस 556 और 554 है, राइट। तो हम 555 पे भी चेक करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो हम 555 पे भी चेक कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? पहले वहां देखेंगे 556 पे क्या आ रहा है, इसको लिख लेते हैं। 556 पे हमारा क्या आ रहा है, राइट डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं यहां पे, दैट इज 556 पे हमारा राइट डिफ्लेक्शन आया, ठीक है। अब हम देखते हैं 555 पे भी चेक करना पड़ेगा। तो अब हम फिर से देखते हैं, किसी तरह सेल की को ऊपर किया, सॉरी सेल की नहीं, पहले ऊपर करेंगे, सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर की को ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद सेल की को ऊपर करेंगे। तो अब 555 हम ऐड करेंगे, तो सिंपल है, इसको हम डाउन करते हैं 1 को और 5 वाले को सिर्फ उठाते हैं। अब 500 यहां, 50 यहां, ये हो गया 555 ऐड हो गया। अब हम यहां पे डिफ्लेक्शन देखते हैं किधर आता है, 556 पे राइट आया था, 555 पे हम देखते हैं किधर आता है। तो अब हम फिर से वही सेल की को हमने डाउन किया और इसके बाद गैल्वेनोमीटर की को हमने प्रेस किया, डिफ्लेक्शन हमारा देखो किधर आएगा, लेफ्ट साइड। इसका मतलब ये लोअर है, यानी अब जो वैल्यू है 555 और 556 के बीच है, राइट। तो हम मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं और यहां पे हम लोग लिखते हैं
ए की का डिफरेंस है, तो एस की वैल्यू आप कितनी होगी, दैट इज 10/1000, ये लिखा इनटू 555 लिख लिया हमने, राइट। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 5.55 ओम, राइट। तो इस तरह हमने इस एस जो है हमारा रेजिस्टेंस है डी और सी के क्रॉस, इसको हमने मेजर किया, राइट। फिर उसी तरह अब हम हटाएंगे, तो सबसे पहले गैरोमीटर की को हटाएंगे, राइट। गैरोमीटर की को हटाया हमने, उसको हटाया, इसको डिफ्लेक्शन जीरो हुआ, फिर हम सेल के की को उठाएंगे, राइट, और वापस हम इसको सबको डाउन कर देंगे, कीज को, ये हमने डाउन कर दिया, सबको डाउन कर दिया, राइट। ये हमारा सेटअप तैयार हो गया और हमने इसकी वैल्यू निकाल ली डीसी के अक्रॉस, जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 5.55 ओम है, राइट गाइस। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई, जो जैसे कि सेल की को हम पहले दबाते हैं जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर की को हम प्रेस करते हैं, और जब हम वापस दूसरा हम सेटअप तैयार करते हैं तो पहले गैल्वेनोमीटर की को ऑफ करते हैं और फिर सेल की को हम बाहर निकालते हैं। शायद बीच एक्सपेरिमेंट में मैंने कुछ गलत कर दिया हो, इग्नोर करना, राइट। तो ये हमारा सेटअप है, ये एक्सपेरिमेंट है, आई होप समझ में आ गया। इसके अंदर जो हमारा रहता है, इस तरह कंस्ट्रक्शन रहता है, इस तरह ये लिंक होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, कॉइल्स कैसी होती हैं और क्यों होती हैं ये कॉइल, राइट गाइस। तो अब चलो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमने पहले बताया था अपने शुरुआती लेक्चर में, फॉल्ट लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स, यानी जो यूज करते थे हम पोस्ट ऑफिस में, राइट। चलो ये हमारा हमने एक एनिमेट किया है, ये दैट इज माना है, ये जो रेड कलर में अंदर ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बॉक्स होगा यहाँ पे, और उसको इस तरह उसके जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है उसका इस तरह टर्मिनल होंगे, यहाँ पे पी और आर, जैसे हमारे आपने अभी देखा था पिछले में, ये देखा था ना पी, ये सब लगे रहते हैं पी क्यू आर, ऐसे ये सेटअप तैयार होगा, और ये यहाँ पे इस तरह अरेंज है। तो हमने इसे सिंपली बीच स्टूडेंट बना लिया, जबकि पी आपके आर्म है और ये एस ए डी के बीच क्या है, एस वो जो कर्व में हमारे रेजिस्टेंस लगे होते, वो बड़ा वाला आर्म जो है जहां 1 से लेके 5000 ओम तक रेजिस्टेंस रहते थे, वो यहाँ पे होंगे, और बी से ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन गया, ये ऐसे घूम के आ गया, जो कि ये क्यू प्लस एस है, ये वाला जो है हमारा वीट स्टोन ब्रिज का, आप ये देखो ये तो है हमारा ये पूरा क्यू, और ये बी से सी और सी से डी, डी और सी वाला तो हमारा अननोन था और बी सी हमारा ये था, तो ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म हमने ये बनाया है आपका, देखो ये जो ट्रांसमिशन लाइन ग्रीन कलर की है, राइट गाइस। क्वेश्चन ये है कि अगर ये ट्रांसमिशन लाइन ये आपकी टूट जाती है, ये टूट गई, ये फॉल्ट हुआ, अब इस पोस्ट ऑफिस से ये कहां पे फॉल्ट हुआ, ये हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाइन है और ये हमारा ब्रेक है, तो अब हम सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन इज, लेट इट बी, नॉर्मली जो ट्रांसमिशन लाइन की जो रेजिस्टेंस होती है हम ये मान लेते हैं 54 ओम पर किलोमीटर होती है, राइट। और ये ट्रांसमिशन लाइन आपकी सपोज कर लो 5 किलोमीटर की है या 10 किलोमीटर की आप मान लो, तो टोटल ट्रांसमिशन लाइन 10 किलोमीटर की अगर लाइन है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा इसके पास कितना हो जाएगा, दैट इज 540 ओम, राइट। यानी ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो हमारी पूरी जब ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई थी तब इसका रेजिस्टेंस कितना था हमारा, 540 ओम के करीब, राइट, ये हमारा 540 ओम था। अब ये हमारा फॉल्ट हुआ, लोकेशन हुई, तो ये हो गया। अब आप देखो जो हमारा सेल की है वो अर्थ है, यानी ये अर्थ है, और ये जो ट्रांसमिशन लाइन जब गिरी तो ये भी जमीन पे गिरी, तो ये दोनों अर्थ हो गए, मींस ये अर्थिंग पॉइंट जो है क्यू और एस और सेल का नेगेटिव एक पॉइंट बन गया, ये देखो सब एक पॉइंट बन गया, ये कंडक्टर थे, यही तो था। अगर हम अपने वीट स्टोन ब्रिज में देखें तो वीट स्टोन ब्रिज हमारा कुछ ऐसे ही तो था, आप देखो ऐसे था, दैट इज
ये पी, ये था, ये क्यू था, ये आर था, ये एस था, ये ए बी और ये हो गया सी एक तरीके से, और ये हो गया डी। आप देखो बी डी बी, ये देखो सेल का नेगेटिव कहाँ है, सी एक जगह मिल गया, ये क्यू एक जगह मिल गया, एस का एक सिरा एक जगह मिल गया और नेगेटिव का एक जगह मिल गया, है ना। इसका राइट देखो, क्यू का राइट भी सी बन गया, एस का राइट भी सी और ये नेगेटिव मिलके यहाँ आ गया, राइट। तो सेम है हमारा, तो हम इसे क्यू मान सकते हैं। लेट दिस, इसका रेजिस्टेंस ऐसे, ऐसी की तो वैल्यू मुझे निकालनी है। और क्यू का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्यू का रेजिस्टेंस आपको पता है, दैट इज एस इधर है सीरीज में, मतलब बचा हुआ सीरीज में नहीं है लेकिन जो बचा हुआ रेजिस्टेंस इधर होगा, दैट इज 540 माइनस एस हो गया। अब मुझे एस की वैल्यू चाहिए तो हम निकाल लेते हैं, दैट इज 100 अपॉन 60। ये हमने सेटअप करके पहले डिफ्लेक्शन हमने जीरो निकाल लिया, ठीक है। और ये माना कि ये 100 और 60 पे हमने पोस्ट ऑफिस में बैठ के ये रेजिस्टेंस को हमने ऐसा सेटअप किया, या है 100 या है 60, जिससे क्या हुआ हमें पता चल गया कि गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो है। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हुए 100 और 60 पे क्या आ गया, गैलोमीटर की रीडिंग हमने देख ली जीरो में, मतलब नहीं जीरो डिफ्लेक्शन है, राइट। तो उस रेशियो को हम इस रेशियो के बराबर कर देंगे, दैट इज 100/60 दैट मस्ट बी इक्वल टू 540 माइनस एस डिवाइडेड बाई ये जो एस है, एस ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 100 एस इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 540 माइनस 60 एस, ये इधर लाते हैं तो हो जाएगा 160 एस इज इक्वल टू 60 इंटू 540 अपॉन, ये हो गया तो एस की वैल्यू आ गई हमारी, दैट इज 60 इंटू 540 डिवाइडेड बाय 160। आप इसे कैंसिल करें, जीरो जीरो हो गया, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 202.5 ओम आ गया, राइट। ये आ गया और 54 ओम एक किलोमीटर का, तो इतना ओम हमें किलोमीटर चाहिए, तो किलोमीटर हम निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं किलोमीटर, बीच में निकालते हैं, दैट इज यहाँ पे, दैट इज लेंथ चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये हो जाएगा लेंथ। हम कैसे निकालेंगे, दैट इज 202.5 डिवाइडेड बाय 54 और ये आएगा हमारा 3.75 किलोमीटर, राइट गाइस। अब हमने पता लगा लिया कि फॉल्ट हमारा कहाँ पे है, हमारे पोस्ट ऑफिस बॉक्स से 3.75 किलोमीटर की दूरी पे, राइट गाइस। तो पोस्ट ऑफिस के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, तो ये लेक्चर आज का हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, बहुत डिटेल में, बहुत स्मॉल डिटेल्स में बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और सभी एनिमेशन जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, पढ़ता हूँ एनिमेशन किस तरह बनाया आपके लिए, क्योंकि फिजिक्स अगर पढ़ना है तो विजुलाइजेशन मस्ट है और उसको फील करना मस्ट है, राइट गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं। थ्योरी हम जितने मर्जी पढ़ लें, अगर हमारा न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होता है तो जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो हिस्ट्री की तरह पढ़ी है, साइंस की तरह नहीं पढ़ी है, ये हमेशा याद रखना। मिलते हैं लोग फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।